ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सीधे सुधर ट्रुथ लाइज विद इन में। और अब आपका 24 डे या 24 दिन का ईश्वरीय वरदान, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम परिवर्तन शक्ति का इस्तेमाल करें और अपने जो पुराने संस्कार हैं या जो पुरानी आदतें हैं, जिनको कि हम अपना नेचर मान चुके हैं या स्वभाव मान चुके हैं, उनको हम चेंज करना शुरू करें ताकि हम पवित्र बने और निर्मल और साथ ही साथ निर्माण बने, मतलब कि नम्र बने। तो देखें परमात्मा किस प्रकार के परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हो यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं हेडिंग में, वर्तमान में, परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले, जो पास्ट में हुआ कि मेरी ये आदत थी, ऐसी सिचुएशन आती या ऐसा व्यक्ति आता है मेरे सामने तो मैं इसी तरीके से बिहेव करता है करती हूँ, तो ये तो मेरी नेचर बन चुकी है, ये तो मेरी आदत बन चुकी है, या मेरा ये स्वभाव बन चुका है। परमात्मा कहते हैं वो उसको बिंदी लगाओ, पुरानी बातों को बिंदी लगाओ, क्योंकि वो हमें दुख दे रही है वो बातें सारी। तो परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भवा, विस्तार में चलते हैं। बाबा कहते हैं परिवर्तन शक्ति द्वारा पहले अपने स्वरूप का परिवर्तन करो, क्योंकि शक्ति कब आएगी, जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, शरीर नहीं समझेंगे। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, सबसे पहले मुझे आत्मा को चेंज करना है, मुझे शरीर या शारीरिक दुनिया या शरीर से रिलेटेड दुनिया को आसपास चेंज करने से मुझे कोई फायदा होने नहीं वाला है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुझे आत्मा को परिवर्तन करना है, आत्मिक परिवर्तन की बात है ये। फिर स्वभाव का परिवर्तन करो, स्वभाव मतलब कि जिसको हमने अपनी नेचर समझ के रखा हुआ है, क्योंकि बहुत पुरानी पुरानी आदतें हो गई हैं और हमने सोच लिया कि मैं हूँ ही ऐसा, मैं हूँ ही ऐसी, वो आदतों को रिपीट करते करते वो हमारे स्वभाव बन चुके हैं। बाबा कहते हैं उनको चेंज करो, जो कि हमें आगे बढ़ने नहीं देते। पुराना स्वभाव ही पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। तो पुराने स्वभाव अर्थात नेचर का परिवर्तन करो। तो किसी किसी का होता है कि नेचर होती है कि किसी ने कुछ कह दिया और हर छोटी छोटी बात को उसने पकड़ लिया और दुख लेना शुरू कर दिया, तो ये तो मेरी नेचर है। कोई कुछ कह देता तो मेरे से सहन नहीं होता, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ गलत करता है तो मेरे से देखा नहीं जाता, ये मेरी नेचर है, मैं देख नहीं सकता कोई कुछ गलत कर रहा हो। किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो मेरे से देखा नहीं जाता, मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूँ या इन्वॉल्व हो जाती हूँ, वो भी मेरी नेचर है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये नेचर जो है, जो कि दुख देने वाली है, इसको चेंज करो। यानी तो हमने अपने आप को डिफाइन कर दिया कि मैं हूँ ही ऐसी, लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा मोल्ड हो जाती है, आत्मा चेंज हो जाती है, आत्मा परिवर्तनशील है। किसकी शक्ति से, परमात्मा की। फिर बाबा कहते हैं फिर है संकल्पों का परिवर्तन, नेचर चेंज करना और फिर संकल्पों का परिवर्तन करना। व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर दो। मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाती, मैंने बहुत ट्राई किया, ये मेरी फितरत में नहीं है, मेरी नेचर में नहीं है कि मैं इस प्रकार से आगे बढ़ पाऊँ जीवन में। ये सब कुछ है व्यर्थ संकल्प, जो कि पास्ट से रिलेटेड है, पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड है और पास्ट संकल्पों का इफेक्ट है, असर है। तो परमात्मा कहते हैं इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा हर बीती को बिंदी लगा तो निर्मल और निर्माण स्वतः बन जाएंगे। तो बीती बातें हैं, बीती आदतें हैं, बीती नेचर को बिंदी लगाना, जिससे कि हम निर्मल पवित्र बन जाएंगे और साथ ही साथ निर्माण मतलब कि हम नम्रचित या हम्बल बन जाएंगे। ये सब कुछ होगा कैसे और सारे इस ज्ञान को इस्तेमाल कैसे करें, उसके विस्तार में जाने के लिए आपको ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाकर के ये 7 दिन का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के ये श्री वरदान। ओम शांति।